नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि पटवारी कैसे बने और इससे संबंधित पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे शैक्षणिक योग्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, यदि आप पटवारी और लेखपाल बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लेनी चाहिए, चाहे आप बीए में करो, बीकॉम में करो या फिर बीएससी में करो, परंतु स्नातक की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी करना होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पटवारी बनने के लिए आयु सीमा क्या रहती है। दोस्तों, यदि आप पटवारी बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम जो एज होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज 40 वर्ष तक रखी गई है। इसके मध्य यदि आप हैं तो आप पटवारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आरक्षित जो वर्ग हैं उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। पटवारी का वेतन। दोस्तों, यदि आप पटवारी पद पर कार्यरत हो जाते हैं तो आपको 29,500 से लेकर 40,000 के मध्य वेतन दिया जाता है। पटवारी की लिखित परीक्षा का सिलेबस जानते हैं तो सबसे पहले सामान्य हिंदी पूछा जाता है। दोस्तों, सामान्य जीके, उत्तराखंड जीके और करंट अफेयर से जीके पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप पटवारी की लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में आप टॉप में आ जाते हैं, मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको पटवारी के फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें सीने की माप होती है और दौड़ होती है। तो दौड़ अलग अलग होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग निर्धारित की गई है। दोस्तों, यदि आप पटवारी की लिखित परीक्षा में और फिजिकल में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका नाम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाता है, उसके बाद आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप पटवारी बन जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पटवारी की क्या क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पटवारी बन जाते हैं तो आपको क्या क्या कार्य करने होते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य होता है पटवारी का भूमि की पैमाइश करना। जी हाँ दोस्तों, और आई, जाति और निवास प्रमाण पत्र आदि मुख्य कार्य पटवारी के होते हैं। तो इस तरह से कार्य आप करेंगे जब आप पटवारी बन जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पटवारी के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है। दोस्तों, यदि इससे संबंधित आपकी मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है तथा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपकी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।